वादी कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे 1A वाहिद ज़मीनी रास्ता है। अगरचे मुतलका एजेंसियां इस शहरों को साल भर आमद रफ्त के लिए खुला रखने की कोशिशें रहती हैं, ताहम बरसात और सर्दियों के मौसम के दौरान ये शहरा मुख्तलिफ मकामात पर चटाने खिसकने और दीगर कुछ वजूहात की बिना पर आमद रफ्त के लिए अक्सर बेशतर बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वादी की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर रोड बनने से इक्तिसादी हालात हमारे बहुत से बहुत बेहतर हो गए हैं। रोड कनेक्टिविटी से जब किसी इलाके को, किसी शहर को, किसी मुल्क को तरक्की करनी होती है तो सबसे पहले वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मगर रोड बनने से हमारी तरक्की में, हमारे कारोबार में बहुत इजाफा हो गया है। मगर गवर्नमेंट को भी एक चीज़ देखना होगा कि लोगों को कोई तकलीफ ना पहुँचे, लोगों को कोई मुश्किलात ना होने। जहाँ से जितना तरक्की होगा वहाँ पर उतना तकलीफ भी होता है। ये मगर रोड जो बन गया ये तो सबसे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन एरिया भी है, बेहतरीन जगह भी है। हम बहुत खुश हो गए, हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और चलेगा भी। जो ये रोड बन गए ये तो पता नहीं हमको था ये 20 साल लग जाएंगे, 30 साल लग जाएंगे, मगर हमने वहाँ पर चक्कर दे दिया। रोड तो बहुत अच्छा है, वायरिंग भी बहुत है और बहुत अच्छी है। किसी जगह अगर कोई फ़र्क होगा वो तो करेंगे, मगर तो ये रोड तो हम समझेंगे बहुत कम टाइम में बन गया है। हम तो बहुत मशहूर हैं, उस कंपनी के भी हैं जिस गवर्नमेंट ने बनाया उसके भी हम मशहूर हैं। वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साल भर जोड़े रखने के लिए मुगल रोड को एक बेहतरीन मुतबादल शहरा तसव्वुर किया गया है। मुगल रोड को आमद रफ्त के काबिल बनाने की पहली कोशिश रियासत के साबिक वजीर आला शहर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने की थी, ताहम उनके दौरे हुकूमत में चंद वजूहात की बिना पर यह काम बाकायदा तौर पर दरदस्त नहीं लिया जा सका। मुगल रोड को गाड़ियों की आमद रफ्त के काबिल बनाने की अहमियत के पेश नज़र साबिक PDP कांग्रेस मखलूत हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को बाकायदा तौर हाथ में लिया। इब्तदाई मराहिल में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में कई तरह की रुकावटें पैदा हुईं, ताहम मरकजी सरकार की मुदाखलत के बाद उन रुकावटों को दूर किया गया। इस तरह साल 2006-2007 में मुगल रोड प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 639.85 करोड़ रुपए के खर्चे का तखमीना लगाया गया, जिसमें से अक्टूबर 2010 तक लगभग 387.84 करोड़ रुपए की रकम सर्फ की गई है। वारियाँ फायदे पुंछ मिलो, रजौरी मिलो, खास तौर शुपन ज़िलस वारियाँ फायदे मिलो, यह जन असान उम्मीद वन लूख हे मगर रोड मगर रोड मगर उम्मीद ऐसी क्या सठा मशहूर खास तौर गवर्नमेंट तो इस रोड बनो अम सब बने सठा सठा अहमियत बने तो गई कुन सत मुजरा अमि रोड सूह सठा मशहूर तुम यह रोड बनो बन असल बन सठा असल सठा काबिल बन यह रोड अत सारे फर्क अच्छे तकरीबन 60% फर्क अस 60% फर्क गसन फायदे यवन अमे वत सतन यूज़न ये मगर रोड बनो अस सठा मशहूर कि यूज़न ये शुपियन जिलो उस योस नियम वजूदस कुन अमे रोड सत आव अस वजूदस शुपियन जिलो अस उस पहाड़ी जिले रुगो वो मुजरा यह कुन मन वो वजूद आन सा शुपियन सा छु नस वन कुन सातन हे शुपियन सा शुपियन जिलो मगर उस खसन ये कुन मन कुन वजूद सी मन उस वस इंशाल्लाह रहमान सठा मशहूर अमे रोड सठा मशहूर से अमे रोड। शुपया से बफरियाज पुंछ तक जाने वाली ये 84 किलोमीटर सड़क खूबसूरत वादियों और हरे जंगलों के डालानों से गुजरती है। ये शहरा जो कि मुगल ज़माने से वादी से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी पर कई अहम मकामात हैं जो लोगों को अपनी दिलकशी और तारीखी अहमियत की वजह से अपनी तरफ रागिब करते हैं।
मुगल बादशाहों ने पहले इस रास्ते को आने जाने के लिए इस्तेमाल किया था। उस दौर के बादशाहों ने इस शाहरा पर कई सराय तामीर किए थे जिनके खंडरात आज भी मौजूद हैं। मैं शुक्रगुजार हूं इस हुकूमत का जिसने ये रोड बनाई है। इस रोड के बन जाने से हमको बहुत सारा फ़ायदा मिला है। पहले तो हम जम्मू से जाते थे, गर्मी में मरते थे, तो दो दिन टूटते थे हमारे। अब तो हम चार घंटे में या तीन घंटे में राजौरी पहुंचते हैं। इसके लिए हमें बहुत फ़ायदा मिला है और यहाँ के जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, उन लोगों को भी फ़ायदा मिला है और यहाँ हमारे शोपियन डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत फ़ायदा मिला है, बिजनेस बढ़ी है। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं उस हुकूमत का जिसने ये रोड बनाई है और हमें बहुत रोड अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रोड है, फिर भी अच्छा रोड है। हम जल्दी पहुँचते हैं और हमें रोज़गार भी मिला है और तरक्की भी मिली है इससे। नहीं, जैसे कि हमारा जम्मू वाला रास्ता था उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही सेफ़ रास्ता है हमारे लिए, बहुत ये अच्छी बात है कि ये रास्ता हमारे लिए बना है और ये बहुत अच्छा है। बाकी सब रास्तों से अच्छा रास्ता है ये। जम्मू का रास्ता बहुत ही ख़राब था, वहाँ कई कई दिन गाड़ियाँ रुकी रहती थी और मुसाफिरों को भी बहुत परेशानी होती थी उससे। तो ये तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बहुत शॉर्टकट रास्ता है हमारे लिए। शुपया से आगे चलकर खुरपुरा के मकाम पर मशहूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ नायाब जंगली जानवर मौजूद हैं। आगे 2 किलोमीटर चलकर दोबीजन में मुगल जमाने की एक सराय अब भी यहाँ से गुजरने वाले लोगों की दिलचस्पी का बाइस बनी है। इस खूबसूरत वादी में एक चश्मा है जिसे तत्ता पानी कहा जाता है, जहाँ अच्छी तादाद में लोग कई बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं और इस चश्मे में नहाकर उन्हें आराम मिलता है। सड़क पर रियाबाद के मकाम पर मुगल जमाने की एक बड़ी सराय मौजूद है जिसे मुगल सराय के नाम से जाना जाता है। रास्ते में मशहूर मकाम पीर की गली पर बाबा अहमद करीम शेख रहमतुल्लाह की मशहूर जियारत मौजूद है जहां मुगल जमाने से ही लोग हाजिरी देते आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं जानता हूँ कि रोड की कंस्ट्रक्शन पिछले 2-3 साल से चल रही है यहाँ पे, लेकिन मतलब जो अनबिलीवेबल इम्प्रूवमेंट इस रोड के अंदर मिली, मतलब वो कहीं पे नहीं है। मतलब इतना फास्ट काम इस रोड के अंदर चला, तो इसका क्रेडिट ओवरऑल तो मतलब सब ऑफिसरान को जाता, मतलब HCC कंपनी को जाता, यहाँ के मतलब लोकल पॉलिटिशियंस को जाता, लेकिन ओवरऑल जो क्रेडिट मैं देता हूँ वो अपने इस नेशन को देता हूँ, हिंदुस्तान को, जिसकी वजह से ये रोड बनी। मतलब नॉर्थ इंडिया में ये एक अनबिलीवेबल रोड है। मतलब एट लास्ट जो मैटर करता वो करता नेशन, मतलब कि उस नेशन के पास इतनी हिम्मत है कि उसने मतलब इतनी बेहतरीन सड़क बनाई है, मतलब पहाड़ी एरियों में ऐसी मतलब सड़क काट के इतने शॉर्ट टाइम के अंदर मतलब बना सका। शुपया से बफियाज तक के इस 84 किलोमीटर रास्ते पर काम शदुमत से जारी है और लगभग 70% काम मुकम्मल हो चुका है। 2 गलियारी वाली इस सड़क पर 4 बड़े पुल और लगभग 234 कलवर तामीर करने का काम मुकम्मल किया गया है और 7 बड़े पुलों पर काम शदुमत से जारी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है और उसका शुक्र है कि खुसूसन जो हमारे राजौरी पुंछ के पहाड़ी लोग हैं जो इस रास्ते से पैदल चलते थे, जिनको चलते चलते जो है 5-8 दिन गुजरते थे और रास्ते में मवेशियों के लिए घास कभी पशाना से ख़रीदना पड़ता था, कभी छत्ता पानी से, और फिर ये पड़ाव डालते थे कहीं बर्फ़ में और ओलू में जो है उनको रुकना पड़ता था और बहुत उनका नुकसान होता था। तो आज ये जो है मुगल रोड जो है ये सरकार की जो देन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी रोड है और मतलब है ये ऐसा लगता है हमें जैसे हम प्लान में जा रहे हैं। तो वो परेशानी जो हमारी है माल मवेशियों की, वो भी आज गाड़ियों के ज़रिए आ रहे हैं, गाड़ियों के ज़रिए आज आ रहे हैं, और वो घास की परेशानी भी ख़त्म हुई हैं, वो पड़ाव के जो मामला थे वो भी ख़त्म हुए हैं। तो इसलिए हमें ये बहुत अच्छा लगा है, मैं पहली बार आया हूँ इस रोड पर जो है मतलब है, और जम्मू से मतलब ये अच्छी रोड बनी है। तो जम्मू जाते हुए हमें 3 दिन लगते थे जिसमें एक रात भी हमारी गुजरती थी, और वो रास्ता जो है मतलब है तकरीबन हमें उस रास्ते से हम तकरीबन 48 घंटे में श्रीनगर पहुँच जाते थे, जो आज हमें 4 या 5 घंटे के अंदर हम तय कर रहे हैं। छब्बीस नवंबर 2009 को
वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजाय खुद इस तवारी की सड़क पर टेस्ट ड्राइव के तौर गाड़ी से सफर करने का ख्वाब पूरा किया। इस वक्त दोनों अतराफ यानी शुपियां और पुंछ से सड़क पर काम जारी है। अगरचे सड़क पर इस वक्त भी छोटी मुसाफिर गाड़ियों और छोटी माल गाड़ियों का आना जाना जारी है, तहम सरकारी तौर पर आइंदा साल से इस सड़क को गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बाज़ाब्ता तौर खोल दिया जाएगा। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की तरफ से इस सड़क को बिना किसी रुकावट के आमद रफ्त के काबिल बनाने के लिए दिन रात काम जारी है और सड़क के बेशतर हिस्से को मुकम्मल किया जा चुका है। कि मुगल रोड बनने से खासकर राजौरी पुंछ, ये बहुत पसमानदा इलाका था, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। यहाँ से कभी मिनिस्टर आते थे 6-6 साल में, लेकिन आज हमारे दूसरे दिन यहाँ से मिनिस्टर गुजरते हैं, जो हमारी अक्सादी हालात देखते हैं, हमारे स्कूलों की तरक्की को देखते हैं, हस्पताल की तरफ, बिजली की तरफ, हमारी जितनी डिमांडें मुगल रोड से पूरी हो रही हैं। और मुगल रोड की वजह से राजौरी पुंछ क्या जम्मू तक, मैं कहता हूँ जम्मू वाले लोग भी इसी से ही फ़ायदा लेके, इसी रोड का इनको इतना फ़ायदा हुआ है कि जो टूरिस्ट दिल्ली से कभी नहीं आता था वो मुगल रोड देखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ लोकल रहने वाले यहाँ के, हमें पता है ये लोग कहते हैं कि मुगल रोड का बहुत फ़ायदा है उन लोगों को, हमारे लिए तो ये 100% फ़ायदेमंद साबित हो रही है और इंशाल्लाह साबित होगी। कुछ प्रॉब्लम हमें लोगों के लिए हैं, पेट्रोल पंप यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो भी आ जाएगा इस मुगल रोड की वजह से, और हम चाहते हैं कि ये जितनी जल्दी कंप्लीट हो सके इतना फ़ायदा है हमें। हमारी नेक ख्वाहिश आई थी कि हम कश्मीर वैली से इतना जुड़ जाएं कि हमारा बहुत किस्म के जो सियासी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हमें हल करने के लिए जम्मू से जाके वहाँ पर जाना पड़ता था, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया है और जितना प्रोजेक्ट जल्दी कम्प्लीट होगा इतना हमें फ़ायदा होगा। इस सड़क का काम दो डिवीजनों में तकसीम किया गया है, एक शुपियां बेल्ट और दूसरा बफरियाज बेल्ट। दोनों अतराफ से काम शदमत से जारी है। शुपियां के इंजीनियर ने इस काम के बारे में बताया। बफलियाज से शुपियां तक 84 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट है, जो 2006 मार्च से स्टार्ट हुआ, डेट ऑफ स्टार्ट इसका 2000 मार्च 2006 है और इनिशियल प्रोजेक्ट कास्ट इसका 255 करोड़ था, जिसमें से 214.2 करोड़ HCC को अलाट हुआ है। इसमें बम्बई की एक मशहूर कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है। इसमें से जो हमारे डिवीजन का हिस्सा आ रहा है वो शुपियन से 41 किलोमीटर अप टू पीर की गली है। अगले तरफ की तफसीलात देते हुए बफलियाज के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा, मुगल रोड का स्टेटस तो आज तो हमारा डबल लेन ऑलमोस्ट तैयार है और ये स्टार्ट है, मेरा जो डिवीजन है ये बफलियाज से स्टार्ट है और अप टू पीर की गली तक है। इसकी लेंथ 43.6 किलोमीटर है और इसमें डबल लेन अर्थवर्क जो है, ये बेयरिंग फ्यू स्टेचेस 45 किलोमीटर तक हम इन स्टेचेस 4.5 किलोमीटर बच रहे हैं, वो भी हमारा टारगेट है कि दिसंबर एंडिंग में वी शैल बी एबल टू अचीव दैट टारगेट और हमारा डबल लेन कंप्लीट हो जाएगा अर्थवर्क। ये सड़क अभी अगरचे तकमील के आखिरी मराहिल में है, तहम इस वक्त जो भी लोग इस शाहरा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस सड़क से सफर करने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। वो कहते हैं कि उन्हें जम्मू या राजौरी पहुंच जाने में वक्त भी कम लगता है। मुगल रोड से जनाब बहुत फ़ायदा पहुँचा है हमें, यहाँ से एक तो सफ़र जो है बहुत कम हो गया है, यहाँ से हम अगर अपनी गाड़ी होगी तो सुबह जाएगा आदमी तो शाम को वापस आ सकता है कोई काम वगैरह करके भी वहाँ से। दूसरा ये हुआ कि यहाँ के लोगों को बहुत एक रोज़गार मिला है, जिस रोज़गार से जो लोग पंजाब में बम्बे में जाकर मजदूरी करते थे उन लोगों को 2-3 सालों से अच्छा खासा रोज़गार भी यहाँ पर मिला हुआ है, अच्छी खासे उनको पैसे मिल रहे हैं, उनकी मतलब माली हालत अच्छी हो चुकी है। दूसरा यह है कि इससे और जो फ़ायदा हो रहा है, इस वक्त आजकल के सीज़न में सेब वगैरह आ रहा है वहाँ से, जो हमें यहाँ मार्केट में 50-60 रुपये किलो सेब मिलता था वो गाड़ियों वाले आके वहाँ से हमें 20 रुपये किलो दे रहे हैं,
तो सभी उससे भी फायदा हो रहा है बहुत बड़ा। तो ये रोड हुआ तो अभी हम पे हम घंटों का सफर, दिनों का सफर फकत घंटों में तय करते हैं, घंटों का सफर जो है मिनटों में तय करते हैं, मिनटों का सफर जो है सेकंडों में तय करते हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि ये रोड यहाँ पे मुकम्मल हुआ है। आज सहूलियत ग्रोठ सख्ती सठ आज वात त्रेन घंटन मं रजोली आज बड़ आराम या फायदे ये सात यप गमेंटन वत कड़ या फायदा वारिया पांच सत दह लगन ये पकन आज लगन घंटे त्रे बहुत शुक्र गुजार गवर्नमेंट सप सड़क अने सहूलियत रोपी ओर बनान आमदनी तोर यो मतलब रोजगार त बन नफर दहन साजन वुहन साजन अस तक अम सबा ड्राइवर प्रेत कम यिन योर अस गो तौर अम सो मजब असल रोजान अस बहुत ड्राइवर मतलब यह क्या उम्मीद यप सड़क चौवह घंटे करान नत मतलब उम्मीद यह क्या गए मगर रोड तैयार यम गड़ पायदल योर खल तम दपान हे सुस दोहद गए सड़क पत पक यप गाड़ वस ग मान वह सहूलियत अस गो टूरिस्ट योर कूत मज सीनरी ये सीनरी कने जाए। हम बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अभी रास्ता खुलने वाला है, रास्ता खुला है, लेकिन कई दिक्कतों के बावजूद अब माशाल्लाह अभी खुल गया है और काम चल रहा है, बड़े ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है और एक्चुअली ऊपर तक बहुत ऊपर तक काम चल रहा है और अब देखते हैं इंशाल्लाह जो हमारा ये ख्वाब था जल्द हकीकत में बदलने वाला है। नेशनल हाईवे 1A के बाद कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ मिलाने वाली इस तवारीखी सड़क के चालू होने से एक तो यहां की आवाम को मुतबादिल रास्ता फराहम होगा और दूसरी तरफ जम्मू पहुंचने में लगभग 40 किलोमीटर की मसाफत में कमी आएगी। खूबसूरत और दिलकश पहाड़ियों के बीचों बीच जाने वाली ये सड़क वादी के लोगों की इक्तिसादी हालत सुधारने में भी काफ़ी अहमियत की हामिल साबित होगी। साथ ही बारिशों और सर्दियों के मौसम में वादी का मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ लगातार रबता बना रहेगा। इस सड़क का चालू होना यहाँ की आवाम का ख्वाब था जो जरूर पूरा होगा। मुगल रोड के चालू होने से गुजर बकरवाल तबके के लोगों को पुंछ और राजौरी पहुंचने में काफी आसानी हो गई है। इस तबके के लोगों को अपने माल मवेशी लेकर ओमी शाहरा नंबर 1A से जाने में काफ़ी वक्त लगता था, लेकिन अब उन्हें मुगल रोड से जाने में एक तो कम वक्त लगता है और दूसरा ये कि उन्हें बहुत आसानी महसूस हो रही है। खूबसूरत वादियों, हरे भरे जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच गुजरने वाली इस शाहरा पर ज़माने कदीम से मुख्तलिफ राजाओं ने सफ़र किया है और मुग़ल दौर में इस शाहरा की ज़बरदस्त अहमियत थी। मुगल बादशाह इसी शाहरा के जरिए वादी कश्मीर में दाखिल हुआ करते थे। उस दौर के आसार अगरचे आज भी इस शाहरा पर मौजूद हैं मगर वो खस्ता हाली का शिकार हुए हैं। अब जबकि ये शाहरा फिर से आमद रफ्त के काबिल बनने जा रही है, मुगल दौर के इन आसारों की तामीर तजदीद की ज़रूरत है ताकि दुनिया भर से वादी आने वाले सयाह इन तवारीखी मकाम की तरफ रागिब हों। मुगल रोड के चालू होने से जहां वादी की आवाम को मुल्क के दीगर हिस्सों तक रसाई आसान बन जाएगी, वहीं रियासत की इक्तिसादी हालत में सुधार आने के साथ साथ यहां के अहम सियाहती शोबे में काफ़ी तरक्की।